जालौन के माधोगढ़ पुलिस सर्विलांस टीम व एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां 25,000 के इनामी बदमाश महिला व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एसबीर सिंह के क्राइम फ्री जालौन की ओर आज फिर एक सराहनीय कदम बढ़ाया गया, जहां माधोगढ़ पुलिस सर्विलांस टीम व एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में घेराबंदी कर 25,000 रुपये की इनामी शातिर महिला बदमाश को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार की गई महिला पिछले काफ़ी सालों से फरार चल रही थी और जिला प्रशासन द्वारा उस महिला पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। मंगलवार को महिला और उसके साथी को गिरफ्तार करने के बाद जिले के आला अधिकारियों ने निश्चित तौर पर कुछ राहत की सांस ली है। संबंधित मामले में अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि महिला का नाम साधना सिंह व उसके सहयोगी का नाम नीरज सिंह है, जिनके पास से अवैध असलाह, कारतूस व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। ये सन 17 का मामला, 17 जून 2017 को थाना माधोगढ़ में 302-201 कायम हुआ था अपराध संख्या। इसमें इमरान नामक एक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, उसके पिता ने यह मुकदमा लिखाया था। तो उस समय टीम ने काम करके इस मर्डर में ये नाम आ गए थे, साधना सिंह और उसके पति राजू परिहार, लेकिन और इनके खिलाफ चार्जशीट भी लगी थी। ये दोनों अभियुक्त काफ़ी साथी किस्म के हैं और एक जयपुर में भी इन्होंने मर्डर किया था, उस वक्त फरार हो गए थे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम दोनों पर घोषित हुआ था और हमारे नए थाना प्रभारी प्रवीण कुमार ने अभी इनको आज ही गिरफ्तार किया है। ये दोनों, ये इसकी पत्नी और इसको शरण देने के आरोप में नीरज शर्मा, ये भी थाना कोंच का है, इसको शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से जो है एक अदद तमंचा 315 बोर, दो जिंदा कारतूस और कुछ आभूषण भी हैं, 130 ग्राम की सफ़ेद धातु के आभूषण, करीब 1.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए नगद काफ़ी बरामदगी हुई है। ये बताया गया कि ये जो इसका पति राजू था, ये इमरान से शक करता था कि इसका अवैध संबंध है अपनी पत्नी से, इसके लिए मर्डर किया था और इसकी पत्नी ने ही बुलाया था। इन्होंने मर्डर करके फरार हो गए थे, काफ़ी साथी के सूचना है। और ये हमारी टीम ने जो है प्रवीण कुमार और प्रभारी एसओजी, ये कुलभूषण प्रभारी सर्विलांस सेल और उनकी पूरी टीम थी एसओजी की थाना माधोगढ़, इन लोगों ने बहुत अथक प्रयास करके, ये दोनों काफ़ी समय से फरार थे, 17 से 21 में, 4 साल बाद, ये करीब 3 साल बाद गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार करने वाली टीम को कोई इनाम? हाँ बिल्कुल, 25,000 का इनाम तो ऑलरेडी घोषित है और पुलिस अधीक्षक से इनको यथोचित इनाम दिलाया जाएगा। शानदार काम है पुलिस का। जालौन से देवेश कुमार सोनकार की रिपोर्ट।